नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा नियुक्त हमाल ठेकेदार के द्वारा प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत की। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउस नागरिक आपूर्ति निगम में विगत 40 वर्षों से लोडिंग एवं अनलोडिंग सीआरएम अनलोडिंग स्पीकिंग का कार्य कर रहे हमालों ने नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा नियुक्त किए गए हमाल ठेकेदार पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को बड़ी संख्या में हमाल संघ के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। इसके चलते पिछले 2 दिनों से सभी हमाल अपनी मांगों को लेकर आपूर्ति निगम के द्वार के सामने हड़ताल पर बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि जुलाई 2022 नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा नियुक्त हमाल ठेकेदार द्वारा हिंदू फर्म के नाम से ठेका लिया गया है। वह हिंदू युवा मंच के प्रमुख गोविंद राज नायडू एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी पर प्रताड़ित कर अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए स्टेट वेयर हाउसिंग के लगभग 110 हमालों के द्वारा दुर्ग जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर अपने व अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता जताई। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी है। आज कलेक्टर के पास आए हैं और थाना में हमारे काफी लोग बैठे हैं, पूरा परिवार के साथ बाल बच्चा को लेकर बैठे हैं। हमारे मांग नहीं सुनी जाती है तो हम सीएम हाउस से घेराव करेंगे, पदयात्रा करेंगे। अब ठेकेदार गोदाम में गए थे रेड करने के लिए उस दिन, तो उस समय पुलिस प्रशासन भी था, सीआई वाला भी आया था, तो ठेकेदार धमकी दे रहे थे उसके सामने। सीआई वाला को भी बोल दिया कि आपको कौन बुलाया यहाँ ऐसा करके, मगर सीआई समझाया धीरे बात करो ऐसा करके, फिर भी दादागिरी कर रहा था, तो बहुत दादागिरी कर रहा है। अभी भी बोलता है जिसमें अगर तुम लड़ना चाहते हो हम उसमें लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसा बोल रहा है, इतना धमकी दे रहा है। हम लोग को खुद डर है, कहीं भी कुछ भी नहीं कर दिया, इसके लिए प्रशासन जवाबदारी रहे। ठीक है, पूर्ति द्वार नियुक्त ठेकेदार हिंदू फर्म के नाम से लिए गया है, जिसका नाम है गोविंद राज नायडू। ये हमारे साथ महिलाओं और हमालों के साथ अत्याचार बोल करके चला गया और आज वो बोलता है कि हाँ हमारे हमालों के द्वारा काम किया जाएगा और आप 130 हमाल है उसको मैं यहाँ से मार्केट कर भगा दूँगा, और जो हथकंडे आप लोग अपनाना है वो अपना सकते हो। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा भंडारित चावल और अन्य जींस खाद्यान्न जो है उसके संचालन के लिए पीडीएस के माध्यम से ठेकेदार की नियुक्ति होती है। पिछले 40 वर्षों से गोदाम निर्माण वर्ष से आज तक ये श्रमिक, इनकी पीढ़ियां बदल गईं और ये लगातार काम कर रहे हैं, और इस बीच कई ठेकेदार आए जिन्होंने सफलतापूर्वक पीडीएस का संचालन किया और इस पीडीएस के संचालन में श्रमिकों का योगदान भरपूर रहा। आज कोविड के 2 साल जो गुजरे हैं, इस कोविड पीरियड में भी जहां पर लोगों को 2 गज दूरी की बात की जाती थी, ये हमारे श्रमिक एकजुट होकर के 15 से 20 लोगों की टोली बना करके ये पीडीएस का संचालन कर रहे हैं। आज इन 40 वर्षों के योगदान को ठेकेदार ने एक सिरे से खारिज करते हुए, जो अभी पहली बार जिसने ठेका लिया है, इन मजदूरों से कहता है कि मैं काम नहीं करवाऊँगा। कम पैसे में उसने ठेका लिया है और कम पैसे में ठेका लेना उसकी गलती है, उसकी कमजोरी है, उसकी जो भी कमियां रही होंगी। आज यहां पर 3.90 रुपये प्रति बैग, जिसमें 50 किलो के बोरे का ट्रांजेक्शन ये करते हैं, 50 किलो का बोरा 26 की हाइट से उतार करके और उसके बाद गाड़ी में लोड करते हैं, ट्रक में लोड करते हैं, तो क्या मिनिमम उनका रेट होना चाहिए? 3.90 रुपये इनका रेट है और वो कहता है कि इन मजदूरों से काम ना करा करके दूसरे मजदूरों से काम कराऊंगा। मतलब दूसरे मजदूरों से भी अगर काम कराने की बात आती है तो कम पैसे में काम कराना, वो भी तो कहीं ना कहीं मानव अधिकार का हनन है, श्रमिकों के अधिकार का हनन है। और जो ये 40 साल से काम कर रहे हैं, ये मजदूर कहाँ जाएंगे, इनका परिवार कहाँ जाएगा? इन मजदूरों ने स्पष्ट ये कह दिया है जिला प्रशासन को, नागरिक आपूर्ति निगम के डीएम को, एडिशनल कलेक्टर साहब को, कलेक्टर साहब को और सीएम साहब को, 40 वर्षों से जो मजदूर काम कर रहे हैं और ये प्रक्रिया सिर्फ, ये व्यवस्था सिर्फ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नहीं, पूरे प्रदेश के 32 जिलों में चल रहा जा रहे हैं कि जो श्रमिक काम कर रहे हैं उन श्रमिकों को पुनः काम दिया जाए और उनकी जो मजदूरी है उस मजदूरी के लिए जिला प्रशासन एक टीम बिठा दे और वो निर्णय कर दे रेट। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।